नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 1 पूर्णांक में पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्युत्पन्न यानी पूर्णांक संख्याओं को घटाना। इसके पहले प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस चिन्हों का गुणा। घटाव करने से पहले हमें चिन्ह का गुणा करना होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, और विपरीत चिन्ह जब भी आएंगे तो प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार से हम पहला काम करेंगे, चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद हम संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है ये कार्य करेंगे। उदाहरण लेते हैं अपन, ये एक उदाहरण है, देखते हैं अपन यहाँ पे ये संख्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिस संख्या के आगे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है उसको हम प्लस का चिन्ह मान के चलेंगे। तो ये संख्या प्लस की होगी, प्लस का चिन्ह लगाते हैं तो भी ठीक है, और नहीं अगर लगाते हैं तो भी वो प्लस ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा अपने प्लस, और ये कोष्टक से इन दोनों चिन्हों को अलग कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो इसके हिसाब से प्लस गुणा माइनस ये हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस बराबर विपरीत चिन्ह है तो माइनस, और ये हो जाएंगे माइनस के साथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संख्या प्लस की है वो 5 है और माइनस की है वो 7 है। यहाँ माइनस के साथ प्लस के 5 से 2 अधिक है, किसके अधिक है? माइनस के अधिक है, इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का, और उत्तर आएगा कितने अधिक है, तो ये यहाँ पे 2 अधिक है, इस कारण से माइनस के 2 इसका उत्तर है। अगला उदाहरण अपन एक और लेते हैं, माइनस के 10 माइनस माइनस के 18, देखते हैं अपन, बाहर कोई निशान नहीं है तो प्लस का, पहले प्लस माइनस का गुणा होगा, उसके बाद तो प्लस माइनस 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 के 10, इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे माइनस के प्लस के 18। अब इसमें अपन देखते हैं माइनस के 10 प्लस के 18, इन दोनों में प्लस के 18 ज्यादा है, जिसके ज्यादा चिन्ह उसका लगेगा, प्लस का निशान लगाते हैं तो भी चलेगा, नहीं लगाते हैं तो भी वो प्लस का ही रहेगा। इससे कितने अधिक है? 8 अधिक है, तो ये उत्तर आएगा प्लस के 8। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, माइनस के 11 माइनस प्लस के 13। सबसे पहला वही काम जो अपन ने ऊपर किया था वही काम हम यहां वापस करेंगे, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के 11 माइनस प्लस माइनस माइनस के 13, माइनस के 11 माइनस के 13, दोनों ही संख्या सेम चिन्ह की है। तो जब संख्या दोनों सेम चिन्ह की होती है तो वहां पे घटाव नहीं होके संख्या जुड़ेगी। तो यहाँ दोनों संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का, और ये दोनों संख्या जुड़ेगी 3 और 1 4, 1 और 1 2, उत्तर आएगा माइनस के 24। इसी प्रकार से हमें जानकारी इनकी होनी बहुत जरूरी है, चिन्ह की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम ऐसे सवालों को सही नहीं कर पाएंगे, और हमें ऐसे और सवाल जो है उनको हल करना है। संख्या रेखा के ऊपर ये एक रेखा है, इसके ऊपर अपन अंक अंकित करते हैं, सीधी साइड में धनात्मक संख्या होगी प्लस 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से, उल्टी साइड में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 -4 -5 -6। अब यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से घटाव में संख्या रेखा के ऊपर हम संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं जिसमें छह में से माइनस के 3 को घटाते हैं। उसके पहले अपन दायां पक्ष और बायां पक्ष
अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं दाया पक्ष कौन सा होता है बाया पक्ष। यहाँ हम देखते हैं अपने जो ये दो हाथ है, ये दो जो हाथ है इन हाथों की इस प्रकार से स्थिति बना देंगे अपन, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्थिति बनाएंगे और यहां ऐसे देखेंगे। अपन देखते हैं इस प्रकार से जो स्थिति बनती है ये बी की स्थिति बनाती है बी, और ये बनाती है डी की स्थिति। बी यानी बाया पक्ष और डी यानी दाया पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं अपने पास में। उदाहरण देते हैं अपन, तीन, तीन में से धनात्मक संख्या दो को घटाना है। तो जब हम धनात्मक संख्या को घटाते हैं तो बाई ओर संख्या की बाई ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां देखिए ये तीन है, तीन में से हमें दो को घटाना है तो दो संख्या हम बाई ओर आगे बढ़ेंगे, एक और एक दो, ये दो कदम यहां एक पे आके रुकेंगे तो अपना उत्तर होगा एक। इसी प्रकार से हम और संख्या लेते हैं, माइनस चार में से घटाना है हमें प्लस के चार, माइनस चार में से हमें घटाना है प्लस के चार, अपने पास में है माइनस के चार, ये तो माइनस के चार है तो प्लस के चार है, बाई और हमें बढ़ना है बाई और, तो कितने हैं चार, तो हम चार कदम आगे बढ़ेंगे, एक दो तीन और चार, संख्या रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे और आगे बढ़ाने पे यहां सात और माइनस के आठ, तो अपने पास में जो उत्तर आएगा वो आएगा माइनस आठ, उत्तर आएगा माइनस आठ, चार से बाई और चार कदम प्लस के, तो नात्मक संख्या तो प्लस में एक दो तीन और ये चार, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास में प्लस के माइनस के आठ। इसी प्रकार से अपन लेते हैं ऋणात्मक संख्या को घटाते हैं, ऋणात्मक में से ऋणात्मक को घटाते हैं तो इसका उल्टा होगा, इसमें ऋणात्मक संख्या को जब हम घटाएंगे तो जिस संख्या में से हमें घटाना है उसके दाई ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो माइनस दो, माइनस दो से दाई ओर माइनस तीन कदम आगे बढ़ेंगे, तो एक दो और तीन, तो उत्तर आएगा एक, कौन सा एक, प्लस का एक। अब हम एक उदाहरण और देखते हैं, प्लस के चार में से माइनस के दो, प्लस के चार में से माइनस के दो, तो प्लस के चार अपने पास में ये है प्लस के चार, इसमें से माइनस के दो कम करना है तो इसका मतलब हमें बाई और दाई और आगे बढ़ना, ठीक है, दाई और आगे बढ़ेंगे तो अपन देखते हैं ये चार है, चार से दो कदम एक दो, तो उत्तर आएगा अपना छह। अब हम इसको वापस यहां सरल करके देखते हैं, चार प्लस के हैं माइनस गुणा माइनस, प्लस होता है तो दोनों ही संख्या प्लस की होने के कारण दोनों ही जुड़ जाएगी। इस प्रकार हम संख्या लेखक के ऊपर संख्याओं का घटाव कर सकते हैं।